यूँ तो जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो नया कारोबार शुरू करने के लिए सही प्लानिंग और सही फाइनेंशियल जानकारी होना जरूरी है। लेकिन जब कोई महिला नया कारोबार शुरू करती है तो उन्हें कारोबार के साथ घर बार की देखभाल करना भी पड़ता है। ऐसे में कारोबारी महिलाओं के लिए बिजनेस प्लानिंग और फाइनेंस प्लानिंग दूसरों के मुकाबले थोड़ा अलग होती है। चलिए जानते हैं महिलाएं कैसे शुरू करें अपना कारोबार, कैसे करें नए कारोबार की प्लानिंग, साथ ही जानेंगे कारोबारी महिलाओं के लिए कैसी हो फाइनेंशियल प्लानिंग इन खास टिप्स में। फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ इस प्रकार करें। बिजनेस के साथ परिवार का वित्तीय खर्च भी देखें। खर्च करने के साथ पैसे बचाने पर भी फोकस करें। मनी डायरी यानी कि खर्चों के लिखने के लिए एक नोट रखें, इससे खर्चे पर नजर रख पाएंगे। क्रेडिट कार्ड का गैर जरूरी इस्तेमाल करने से बचें। कारोबार के साथ निजी खर्चे में बैलेंस बनाएं। कारोबारी महिला कैसे ले सकती हैं बिजनेस लोन? बिजनेस लोन के लिए अच्छा क्रेडिट स्कोर होना जरूरी है। समय पर बिल भरें, वित्तीय जिम्मेदारियों को निभाएं। कारोबार के लिए अनसिक्योर्ड लोन लेने से बचें। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर लगाम लगाएं। क्रेडिट स्कोर बेहतर करने पर फोकस करें। कारोबारी महिलाओं को कहाँ मिलेगा बिजनेस लोन? बैंक और NBFCs में बिजनेस लोन ले सकती हैं। महिलाओं के लिए कई स्पेशल बिजनेस लोन वाली स्कीम्स हैं जहाँ अप्लाई कर सकती हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की वैभव लक्ष्मी स्कीम। विजया बैंक की वी शक्ति भी है महिलाओं के लिए। इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। कारोबार चाहे कोई भी हो, इसमें कुछ तय नहीं होता है। अचानक खड़ी हुई जरूरत के लिए फंड होना जरूरी। ऐसे में इमरजेंसी फंड बनाए रखना फायदेमंद होता है। कारोबार की छोटी बड़ी जरूरतों के लिए नहीं है ये फंड। ऐसे में फंड को कारोबार के लिए इस्तेमाल करने से बचें। रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से ही कर रखें। रिटायरमेंट प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम हिस्सा होती है। रिटायरमेंट की सेविंग किसी भी हाल में कारोबार में ना लगाएं। कारोबार के बाद रिटायरमेंट के लिए निवेश निरंतर जारी रखें। रिटायरमेंट और अन्य वित्तीय लक्ष्यों के लिए भी निवेश जारी रखें। पर्सनल कारोबार और भविष्य का खर्च रखें अलग अलग। कारोबार और निजी खर्च दोनों को ही अलग अलग रखें। पर्सनल और बिजनेस बैंक अकाउंट अलग अलग रखना सही है। बिजनेस के लिए फंडिंग के वक्त ये प्लानिंग आती है काम। कारोबार निजी जीवन अलग अलग रखना प्रोफेशनल है, इसलिए हमेशा पर्सनल लाइफ और खर्चे प्रोफेशनल लाइफ और खर्चे से एकदम अलग ही रखने चाहिए। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।